तो आज हम बनाएंगे छेने का बंगाली मिठाई जो है, जो कि बहुत ही फेमस मिठाई है बंगाल की, वो है आपका संदेश। तो मैंने ये जो छेना है, ये मैंने कल फाड़ लिया था छेना, लेकिन काफी रात हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला इसको बनाने का, तो मैंने इसको वैसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको फ्रिज से निकाला, और अब इसको मैं, तो जब वो छेना, वैसे मैंने तो ओवरनाइट मेरा रह गया था फ्रिज में, लेकिन अगर आपको कोई भी छेने की मिठाई बनानी हो तो 2-2.5 घंटे पहले छेना फाड़ करके रख लीजिए। और छेना कैसे फाड़ना है इसकी रेसिपी मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगी। छेना फाड़ करके 2 घंटा रख लीजिए, और 2 घंटे के बाद में उस छेने को इस तरीके से अपने हथेली से चिकना करिए, ठीक है? तो कम से कम 15 से 20 मिनट करिए इस छेने को, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली फ्रिज से निकाला है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा देर कर रही हूँ ताकि ये नॉर्मल पहले टेम्परेचर में आ जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको 12 से 15 मिनट तक कम से कम इसको आप ऐसे अपनी हथेली से मसलिए। मैं जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आई हूँ, तो फिर आप इसमें कम से कम जितना आपको चीनी चाहिए उसमें पिसी हुई चीनी जो है आप डालें। मेरे पास ये पिसी हुई चीनी है, तो मैं इसको डाल रही हूँ। और उसके बाद आप चख लीजिए जितना मीठा आपको चाहिए उसके हिसाब से। वैसे भी संदेश थोड़ा कम मीठा होता है, तो जैसे शुगर के पेशेंट्स हैं घर में, तो उन लोगों को देना है, या कम मीठा आप खाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप उतनी चीनी मिला करके, चीनी का पाउडर मिला करके इसको फिर से आप इसी तरीके से मसलते रहिए। अब इसको हमने, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमने मसल दिया है चीनी के पाउडर के साथ। अब इसको धीमी गैस पे कम से कम बस 4 मिनट तक हम इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक है? सिर्फ 4 मिनट, ज्यादा नहीं।
अगर आपको ये मेरे संदेश की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो हमारे इतने सारे संदेश बन करके रेडी हो चुके हैं, तो कैसा लगा आपको ये, आप भी अपने घर में इसे बनाएं और थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें और उसके बाद निकाल करके आप इसे खाएं। तो हमारे इतने संदेश बन करके रेडी हो चुके हैं, आप भी अपने घर में इन संदेश की रेसिपी को बनाने की कोशिश करिए और खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। लेकिन हाँ, जब ये संदेश बन करके रेडी हो जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। जब ये सेट हो जाएगा तब आप इसके लुत्फ़ उठाइए।